बिहारी होने के नाते बिहार के बारे में जानना हम सभी को बहुत ही जरूरी है। जी हाँ, मैं तारकेश्वर पांडे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल TNERC में। और आज का जो टॉपिक हम लोग जानने जा रहे हैं, ये टॉपिक बहुत ही जानदार और शानदार है, क्योंकि आज हम लोग अपने राज्य बिहार के बारे में जानने वाले हैं। जी हाँ, वही बिहार जो पूरे भारत में जनसंख्या के आधार पर तीसरे स्थान पर आता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं थर्ड लार्जेस्ट स्टेट बाय पॉपुलेशन इन इंडिया। यानी बिहार ही वह ऐसा राज्य है जो जनसंख्या के आधार पर भारत का तीसरा राज्य है, तीसरा सबसे बड़ा राज्य। बिहार भारत के पूर्व में स्थित है और बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। जी हाँ, अपने बिहार का क्षेत्रफल कुल मिलाकर 94,163 वर्ग किलोमीटर है। अगर बिहार की चौहद्दी की बात करें तो बिहार की चौहद्दी जो है, इसमें पूर्व में वेस्ट बंगाल शामिल है, यानी बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल है। बिहार के पश्चिम में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश है, बिहार के उत्तर में नेपाल है और बिहार के दक्षिण में झारखंड है। तो ये है बिहार की चौहद्दी, जो हम सभी को जानना बहुत ही ज़रूरी है। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बिहार की चौहद्दी बता देना चाहता हूँ। बिहार के पूर्व में है पश्चिम बंगाल, बिहार के पश्चिम में है उत्तर प्रदेश, बिहार के उत्तर में है नेपाल और बिहार के दक्षिण में है झारखंड। अब जानते हैं बिहार की स्थापना कब हुई थी। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई थी और यही कारण है कि 22 मार्च को हम लोग प्रत्येक वर्ष बिहार दिवस मनाते हैं। बिहार की राजधानी पटना है और पटना बिहार की सबसे बड़ी शहर के रूप में भी जानी जाती है। इसके बाद जो हम लोग जानने वाले हैं वह यह है कि बिहार में कुल कितने ज़िले हैं। बहुत लोग बिहार में कुल कितने ज़िले हैं इसको सुनकर घबरा जाते हैं और बता नहीं पाते, हकलाने लगते हैं कि बिहार में कुल कितने ज़िले हैं। तो ध्यान रखिए, बिहार में कुल मिलाकर 38 ज़िले हैं। जी हाँ, 38। बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या घनत्व को डेंसिटी कहा जाता है, तो बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 1102 यानी कि 1102 पर्सन्स पर किलोमीटर स्क्वायर। ये बिहार जो है जनसंख्या घनत्व के आधार पर भारत का सबसे जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। इसके बाद जानते हैं बिहार का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। जी हाँ, बिहार का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वह है हिंदी और एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज है उर्दू। यानी कि हिंदी और उर्दू को बिहार में ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। बिहार का स्टेट सॉन्ग यानी कि बिहार का जो राज्य गीत है वो है मेरे भारत के कंठहार। इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं द गार्लैंड ऑफ माई इंडिया। ये है बिहार का राज्य गीत। बिहार के अगर स्टेट बर्ड की बात करें, यानी कि बिहार की राजकीय पक्षी की बात करें, तो वो है हाउस स्पैरो, यानी कि गौरैया जो है यह बिहार की राजकीय पक्षी है। ठीक इसी प्रकार से बिहार का जो राजकीय फूल है यानी कि स्टेट फ्लावर, वो है कचनार। जी हाँ, कचनार जो है ये बिहार का राजकीय फूल है और साथ ही साथ बिहार का राजकीय फल जो है, जिसको स्टेट फ्रूट कह सकते हैं, वो है मैंगो यानी कि आम। बिहार का राजकीय फल आम है और बिहार का राजकीय जो पेड़ है यानी बिहार का राजकीय वृक्ष, स्टेट ट्री जिसको हम लोग बोल सकते हैं, वो है पीपल। पीपल को बिहार का राजकीय वृक्ष माना जाता है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि बिहार के सबसे पहले राज्यपाल यानी सबसे पहले जो गवर्नर थे वे थे जयराम दास दौलतराम। जी हाँ, जयराम दास दौलतराम बिहार के सबसे पहले गवर्नर थे यानी कि राज्यपाल थे। और बिहार के वर्तमान गवर्नर यानी कि वर्तमान राज्यपाल जो हैं वो हैं फागू चौहान। फागू चौहान बिहार के वर्तमान राज्यपाल हैं। बिहार के जो सबसे पहले मुख्यमंत्री थे वे थे श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे और बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री जो हैं
वो हैं नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। वर्तमान समय में बिहार में दो उप मुख्यमंत्री भी हैं, जिसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर हम लोग बोल सकते हैं। जो दो उप मुख्यमंत्री अभी बिहार में हैं, उसमें जो नाम आता है वो है रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद। जी हाँ, रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। बिहार का जो लेजिस्लेचर है ये बाइकैमरल है। बिहार का लेजिस्लेचर बाइकैमरल है, यानी कि द्विसदनात्मक प्रणाली है बिहार में। इसलिए बिहार में जो लेजिस्लेचर काउंसिल है, इसमें 75 यानी कि 75 सीट्स हैं लेजिस्लेचर काउंसिल में, और लेजिस्लेचर असेंबली में 243 सीट्स हैं। 243 सीट्स हैं लेजिस्लेचर असेंबली में, और लेजिस्लेचर काउंसिल में 75 सीट्स हैं। यानी हम कह सकते हैं बिहार का विधानमंडल द्विसदनात्मक है, जिसमें विधान परिषद में अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर 75 सीट हैं, और विधान सभा में कुल मिलाकर 243 सीट हैं। तो इस तरह से बिहार का विधान परिषद और विधानसभा में सीट जो है, विधान परिषद में 75 सीट हैं और विधानसभा में 243 सीट हैं। बिहार में राज्यसभा के लिए 16 सीट हैं और लोकसभा के लिए 40 सीट हैं। राज्यसभा के लिए कुल 16 सीट्स हैं और लोकसभा के लिए कुल 40 सीट्स हैं। यदि बिहार के लिटरेसी रेट की बात की जाए तो बिहार का जो लिटरेसी रेट है यह है 63.82%। 63.82% जो है ये बिहार की लिटरेसी रेट है। बिहार में अगर जनसंख्या अनुपात देखा जाए तो बिहार में 918 महिलाओं पर 1000 पुरुष हैं। यानी बिहार में जो हम लोग देखें तो पुरुषों और स्त्रियों का जो अनुपात है, इसमें 918 स्त्रियों पर 1000 पुरुष हैं। इसके बाद जो हम लोग अगला जानने वाले हैं वो है कि बिहार के जो टूरिस्ट प्लेस हैं, बिहार में जो घूमने वाले जगह हैं, उसमें प्रसिद्ध जगह कौन कौन से हैं। देखिए, बिहार में जो बोधगया है यह बहुत ही प्रसिद्ध है, और इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पे महाबोधि टेम्पल है। तो बोधगया बिहार का सबसे प्रसिद्ध जगह है जहाँ पे महाबोधि टेम्पल है। इसके बाद नालंदा जो है, यह नालंदा महान विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद वैशाली जो है, वैशाली को महावीर का जन्म स्थान माना जाता है, इसलिए वैशाली भी बिहार का सबसे प्रसिद्ध स्थान है और सबसे पवित्र जगह है। अगर हम मधुबनी की बात करें तो मधुबनी अपने पेंटिंग्स के लिए बिहार में प्रसिद्ध तो है ही, साथ ही साथ पूरे विश्व में मधुबनी अपने पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। मुजफ्फरपुर का नाम कौन भूल सकता है। मुजफ्फरपुर बिहार के लीची के लिए प्रसिद्ध है। और इसके बाद हम लोग जानते हैं पावापुरी। पावापुरी भी एक बहुत ही पवित्र जगह है जैनों के लिए, जैन लोगों के लिए पावापुरी एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है, यह बिहार का एक नेशनल पार्क है जो कि पश्चिमी चंपारण में स्थित है। पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है बिहार का वाल्मीकि नेशनल पार्क। बिहार में हाजीपुर भी बहुत ही प्रसिद्ध है अपने केलों के लिए, यानी हाजीपुर जो है यह केलों के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो इस तरह से हमने जाना बिहार जो है यह किन किन गुणों से भरा हुआ है, और बिहार की कुछ विशेषताओं को हमने जाना, बिहार के हमने कुछ खास जानकारी को इस वीडियो के माध्यम से जाना। तो मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए राज्य की जानकारी के साथ। तब तक के लिए लेते हैं आप सभी से विदा। गुड बाय।